हेलो एंड वेलकम्स टू ट्यूटोरियल स्टफ। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली इम्प्लीमेंट किया था ये साइन इन पेज और हमने प्रोटेक्टेड राउट जोन्स हैं वो इम्प्लीमेंट किया था। मतलब कि अगर कोई डायरेक्टली एडमिन स्लैश डैशबोर्ड पे जाएगा तो उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं हम लॉगिन पेज पे। जब तक लॉगिन नहीं है तब तक वो डैशबोर्ड पे नहीं जा सकता। तो इसको हम लॉगिन भी कर लेते हैं एडमिन एंड ईकॉम और पासवर्ड इसका था एडमिन, ठीक है। तो ये हम जब लॉगिन करने के बाद हम फिर डैशबोर्ड पे चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स का, क्योंकि हम वही कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट्स जो है ये चीज़ें भी सही चल रही हैं, परफेक्ट। उसके बाद अब आज जो हमने देखना है इस वीडियो में वो है हमारे पास ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम यूआई, क्योंकि ऐड प्रोडक्ट का हमारे पास एंड पॉइंट तो हमने क्रिएट कर चुके हैं। अब हमने यहाँ से जो सा उसके फ्रंट एंड के थ्रू उसको फिट करना है। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले मैं ई कॉम मेरे जो ऐप है फ्रंट एंड है वहाँ पे आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ ये हमारा कोड कहाँ पे लिखा है। तो मॉड्यूल में ऐड प्रोडक्ट डॉट जी एस एक्स में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये इनपुट्स की जो हमारी फील्ड्स हैं इसके अंदर हमने ये टेक्स्ट एरिया इनपुट और इसमें हमने सारा वो चीज़ें डाली हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टेट बना लेते हैं इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो कॉन्स्ट एक ही स्टेट बना ले तो मल्टीपल बनाने की बजाय एक बनाना बेहतर है। डाटा और सेट डाटा, ठीक। इसके अंदर सारे मैं डाल दूँ मुझे लेट से जैसे प्रोडक्ट नेम था, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट इमेज, कैटेगरी, कलर्स और आई थिंक दैट्स इट। यही सब कुछ हमारे पास है। ओके सो एक चीज़ तो ये होगी, एक चीज़ और कंफर्म कर लेते साथ इसी वक्त ही, बाकी बाद में यानी कि थोड़ा सा लेट ना हो जाए। वो ये है कि अगर मैं राउट्स में जाता हूँ प्रोडक्ट के ऐड प्रोडक्ट में, ये है हमारे पास न्यू वाला, तो इसमें बेसिकली मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास ओके यहाँ पर भी देखें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेम से फाइंड करें। तो मैं जाता हूँ फिर इसके मॉडल्स में, प्रोडक्ट के अगर मॉडल में जाता हूँ मैं बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पर अगर आप राउट में देखें तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से है वो डायरेक्टली जोन से वो एंटर हो जाए। तो इस मीन कि हमारे पास जो फ्रंट एंड से आ रहा हो वो सेम एज इट इज़ इस नेम के साथ आ रहा हो, ताकि हमारे पास कोई कॉलम में डाटा एंटर होता है कोई मसला ना हो। तो इसलिए नेम आ रहा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, जैसे इसको नेम करना पड़ेगा। उसके बाद प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस की बजाय हमें सिंपल प्राइस यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ही है, ठीक हो गया। और रेटिंग्स इधर नहीं आ रही होगी। इमेजेस, क्योंकि हमारे पास एक अरे है तो एक अरे आएगी इधर, प्रोडक्ट इमेजेस, इमेजेस कर दे तो मैं, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी ऐसा ही है, परफेक्ट। और फिर कलर्स भी एक अरे है, कलर्स भी अरे होगी। और स्टॉक्स भी, अभी हम स्टॉक्स की कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहे लेकिन वो दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम इसको स्टॉक्स का कह देते हैं। तो ये भी एक स्टॉक्स क्या होगा, हमारे पास नंबर है। और फीचर्ड इसका ट्रू करना है कि नहीं, ये एक हमारे पास ऑप्शन होगी, इसको भी लिख देते हैं, फीचर्ड फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, ठीक हो गया। अब इसको जाके हम इंसर्ट करा देते हैं, जैसे कि वैल्यू सबसे पहले हमारे पास हमने लास्ट टाइम चेंज कर दी थी, तो इसको डेटा डॉट नेम कर देते हैं। इसी तरह ऑन चेंज पे हम कह देंगे जो नेम है इसको चेंज कर दो। टेक्स्ट एरिया इसके ऊपर हमें खुद लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो वैल्यू डाटा डॉट डिस्क्रिप्शन और ऑन चेंज पे डिस्क्रिप्शन का डाटा चेंज हो जाए, सेम इस पे भी। उसके अलावा उसके बाद प्रोडक्ट इमेज आ जाती है, इमेज की, इमेज को थोड़ा सा हम हैंडल कर लेते हैं, इमेज को बाद में देख लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इनपुट सेलेक्ट आ जाता है, इनपुट सेलेक्ट में मैं देखना चाहता हूँ कि मैं, हमने कुछ ऑन क्लिक वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो इसको वो सेलेक्ट कैसे करता है, सिलेक्टेड पर्सन, अच्छा पर्सन हमने लिखा, अच्छा ये है हमारे पास सिलेक्टेड पर्सन, इंटरेस्टिंग कि उधर से कौन सा सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही किया हुआ है। एक तो इसका है कि हम इसको प्रॉपर उस तरह बनाएं जैसे हमने बाकी इनपुट बनाए हैं, या दूसरा तरीका, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी ऐप कर रहा है तो मैं इधर यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लूँगा कि जब भी सिलेक्टेड चेंज हो तो हम इसको
कंसोल करा लेते हैं और इसके साथ एक ना ऑन चेंज चला देते हैं, ठीक है, ताकि मतलब कि जब भी पर्सन चेंज हो तो ऑन चेंज चल जाए विद सिलेक्टेड पर्सन। ओके 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 ठीक है। और ये जब भी सिलेक्टेड पर्सन चेंज हो, मतलब कि जब भी वैल्यू सिलेक्ट होगी तब ये फंक्शन चल पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको वैल्यू ऑन चेंज जो है वो भेज देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर से ए हमारा वो भेजेगा और फिर उसमें से ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के लेट्स से इसको देख लेते हैं हम कंसोल में क्या आता है। इसको टारगेट आएगा कि सिंपली डायरेक्ट जो है वो सेट कर देगा उसको। खैर इसको देख लेते हैं। उसके बाद चेक बॉक्स आ गया। चेक बॉक्स भी हमारे पास इस तरह है कि हमने उसको सिंपल सा चेक किया हुआ है। ओके इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं जैसे कि, तो इसको क्या करते हैं हम ऑन चेंज का ये लगा दे के देख लेते हैं। ऑन चेंज पे ये पर्सन और ये चीज़ें आएंगी, तो इसको जहाँ पर ये यूज़ हो रहा है वहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। ऑन चेंज पे सेट डाटा कलर्स ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अभी सारे ऐसे ही रख लेते हैं, बाद में फिर हम इसको चीज़ें देख लेंगे, ठीक। अच्छा एक ये चीज़ होगी, उसके बाद जो सा है कंसोल डॉट लॉग डाटा कर देता हूँ, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ। ये क्रैश हो गया क्यों, क्योंकि यूज़ स्टेट और नीड डिफाइन, यूज़ इफेक्ट भी नीड डिफाइन। अच्छा सबसे पहले तो यूज़ स्टेट इधर का होगा आई गेस, यस। उसके बाद इसको ये आ गया किधर गया, अच्छा आ गया, ठीक है। उसके बाद जो यूज़ इफेक्ट इधर यूज़ किया था, ये बहुत स्लो हो गया गेस, खैर। अच्छा इसके अलावा और कोई, अच्छा बैरर और कोई है वैसे आया नहीं, लेकिन खैर इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ऐड पर कंटेंट टेक्स्ट एरिया विद बोथ वैल्यू एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉप्स, अच्छा ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ हेलो, इन्फो में आऊँगा तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन में हेलो आ गया, परफेक्ट। डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ हेलो, तो डिस्क्रिप्शन में भी हेलो आ गया, ये दो चीज़ें चल गई। इधर लिखता हूँ 100, तो मेरे पास प्राइस में भी 100 आ गया, जो कि एक रे है, ओ स्ट्रिंग आ रहा है, जबकि मुझे इधर चाहिए नंबर। तो अगर मैं इसको नंबर कर दूँ, या लेट्स से इसको हम बाद में एक साथ ही नंबर करते हैं, किधर गया, अच्छा बाद में एक साथ इस, ये क्या हो गया यार, यू स्टेट उड़ गया ऊपर से, खैर ये तीनों चीज़ें चल गई। उसके बाद इमेज मैंने कहा था बाद में कर लेते हैं, इसको हमने देखना था, तो या वैल्यू नहीं आएगा बेसिकली, क्योंकि उधर हमने अगर देखें तो नेम और आईडी है, ओके सो आईडी है, नेम और आईडी है। तो इसको हमने क्या करना था, इनपुट सेलेक्ट में से जो हमने यहाँ से ये सेलेक्ट डायरेक्ट किया हुआ, तो उसको सिर्फ आईडी सेलेक्ट करवानी है हमने। इंटरेस्टिंग। कैटेगरी, कैटेगरी है ये शायद, हाँ जी, तो कैटेगरी में सिर्फ हम स्ट्रिंग रखवा रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट कहाँ गया आईडी कर देते हैं, ठीक है, तो आईडी करके देख लेते हैं। लेट्स ट्राई अगेन, आईडी क्लोथिंग ही आ रही है, लेकिन वो कहते हैं अनडिफाइन, इनपुट सेलेक्ट का ही मसला है, तो ई टारगेट नहीं आएगा बेसिकली, क्योंकि हम डायरेक्टली वहाँ से पास कर रहे हैं, तो ई डॉट टारगेट नहीं आएगा, क्योंकि हम क्योंकि इनपुट फील्ड से तो नहीं कर रहे, हम सेट स्टेट डायरेक्ट भेज रहे हैं, तो ई डॉट टारगेट नहीं आएगा। तो अगर मैं देखें ये करता हूँ, तो क्लोदिंग हमारे पास आ गई है, और कैटेगरी में भी देखी जाए तो क्लोदिंग हमारे पास आ चुकी है, शूज़, उसके बाद एक्सेसरीज, परफेक्ट वर्किंग फाइन, ठीक। कलर की बात कर लीजिए तो इसको भी देख लेते हैं, हमारे पास एरर आ गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू, वैल्यू रीड कर रहा है, अच्छा इसको हम देख लेते हैं,
क्योंकि इसके अंदर भी वही चीज़ है कि हम ऑन चेंज पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं भेज रहे, क्योंकि वो हम चेकबॉक्स पे ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। तो ऑन चेंज पे हम एक पर्सन भेज रहे हैं जिस पर्सन का वो है, और उसको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू भेज रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें आ रही होंगी अगर इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर दें। इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो पर्सन आ रहा है और दूसरा आएगा हमारे पास चेक्ड, स्टेटस कह देते हैं, चेक्ड कह देते हैं चलें। ठीक है, दो चीज़ें आएंगी। तो अगर तो चेक्ड होगा तो हमने ये चीज़ करनी है कि सारी बकाया रख के नई इसकी आईडी ऐड कर दो पर्सन की, एल्स हमने उसको फिल्टर आउट कर देना कि उसको निकाल कर हटा दो। एंड आई गेस दैट्स इट। ठीक, परफेक्ट, सेव करते हैं, इधर वापस आ जाते हैं, रिफ्रेश एक दफ़ा कर देता हूँ ताकि रीसेट हो जाए सारी चीज़ें। अब मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास अगर मैं इधर देखूँ कलर्स में रेड आ गया, परफेक्ट। ब्लू किया तो मेरे पास ब्लू आ गया, विच मीन्स इट्स वर्किंग फाइन। ठीक हो गया, जो मेन चीज़ें हमारे पास सारी तकरीबन वो चल गई हैं, नेम चल गया और डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी और साथ जो उनसे हमारे पास कलर्स भी। स्टॉक प्राइस माइनस में क्यों चलेगी? अच्छा, क्योंकि मैंने इसको, अच्छा ये इससे चलता है यार, इसको मिनिमम और वो वाला भी कर देते हैं, लेकिन खैर चीज़ें चल रही। ओके, अब रह गया हमारे पास इमेज। इमेज के लिए क्या करेंगे? जैसे कि पहले बताया था कि इमेज के लिए इशू ये है इमेज के साथ कि हम उसको डायरेक्टली जो सा इमेज हम स्टोर नहीं करा सकते डीबी में, कराते हम उसको किसी सर्विस पे जो सा करते हैं हम, एक मिनट किधर चला गया, ठीक है, तो ये रही इमेज। तो हम बेसिकली उसको किसी सर्विस पे होस्ट करवाते हैं और फिर वो हमें एक यूआरएल जनरेट करता है और फिर हम वो यूआरएल डीबी में स्टोर कराते हैं जिस यूआरएल पे वो पड़ी होगी। तो उसके लिए जो हम सर्विस अभी यूज़ करने लगे हैं वो है क्लाउडनरी। तो अगर हम लिखते हैं क्लाउडनरी, ये तो क्लाउडनरी पे हम अब उसको पोस्ट करेंगे। तो इसको आप साइन अप कर सकते हैं फ्री, लेकिन मैं लॉगिन करूँगा कि मेरा अकाउंट पहले से है। सो लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी, डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तब डिफरेंट थी, तो अब थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर हम बेसिकली इसको अपलोड करेंगे, होस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं, एक प्रीसेट बना लेते हैं, लाइक फोल्डर टाइप हम चीज़ बना लेते हैं। तो उसके लिए सेटिंग में आ जाएं, उसके बाद अपलोड, और जहाँ तक मुझे याद है ये मेरे पास कुछ पहले से बनाए हुए पड़े हैं मेरे पास, तो मैं इसके अंदर ऐड अपलोड प्रीसेट कर दूँगा। प्रीसेट का नाम मैं रख देता हूँ ई कॉमर्स ऐप, ओके, अंडरस्कोर के साथ अनसाइंड इसको रहने देता हूँ, टू इनेबल अनसाइंड अपलोडिंग टू क्लाउडनरी विद दिस, ठीक हो गया। उसके बाद ऑप्शनल अगर रखना हो, बाकी ये चीज़ें काफ़ी टाइप ज़्यादा चीज़ें अलग हो गई, लेकिन खैर अभी हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसको सेव कर देते हैं हम सिंपली। हमारे पास ये किधर गया, ई कॉमर्स ऐप बन गया, फिट, परफेक्ट। इसको अब मैं चलता हूँ माय प्रोफाइल अकाउंट, कहाँ पे वो होता है, अच्छा इसको बैक कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये इन्होंने बताया भी हुआ है, लेकिन इनका थोड़ा सा ये, अच्छा ये उसके थ्रू है, एक तो ये नोड जेएस पे है, रिएक्ट पे भी हम कर सकते हैं, और अगर देखा जाए तो ये बेसिकली ठीक हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग, तो ये आप जो है इनके पैकेज के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको अपलोड करने का क्या तरीका, तो जो सा हमने करना है वो हम चाह रहे हैं कि एक इनका यूआरएल भी होता है उससे कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है। मैं इसमें लिखता हूँ क्लाउडनरी अपलोड एपीआई, तो इसमें चेक कर लेते हैं हम के केपीआई होती है विद द अपलोड रिसोर्स अपलोड क्लाउडनरी इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, आई गेस ये है,
ये हमें साइंड अनसाइंड देता है, ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, CLI में आते हैं अगर हम, ये तो ये रहे, ये भी हमारे पास तकरीबन अच्छा, ये भी क्लाउडनरी जोन्स है उससे आ रहा है, लेकिन हमारे पास एक इसका कहाँ गया, नोड जे एस से। बेसिकली हम नोड जे एस से भी बैकएंड पे भेज के उसके बाद फिर नोड जे एस के थ्रू भी करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। उसके अलावा हम फ्रंट एंड से भी कर लेते हैं, ये है मेरे ख्याल से यही है। ठीक हो गया, ये अपलोडिंग विद अ डायरेक्ट कॉल टू रेस्ट API। ठीक हो गया, रेस्ट API इसकी हम ये यूज़ करेंगे ये वाली। तो यहाँ पर आपने क्लाउड नेम डालना, रिसोर्स टाइप और अकाउंट नेम। ठीक है, परफेक्ट। लेट्स कॉपी दिस, इसको हम देख लेते हैं। एक ये चीज़ हमें पता चल गई, हमने वो सारी चीज़ें बना ली हैं, अब हम उसको देख लेते हैं। तो उसका तरीका ये है कि हमारे पास ये इनपुट है जिसके अंदर वो अपलोड होगी, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ऑन चेंज पे, लेट्स से इसको हम इस तरह कह देते हैं, ऑन चेंज पे हम क्या चाह रहे हैं कि इमेज में डाटा का नाम आ जाए। परफेक्ट, इमेज में डाटा का नाम आ जाए। अब देख लेते हैं इसका क्या मतलब है नाम आ जाए। अगर हम दोबारा यहाँ पर आ गए, एक मिनट, मैं लॉग आउट कर गया हूँ फॉर सम रीज़न। अच्छा, इसके अंदर प्रोडक्ट्स में गया, एड प्रोडक्ट में। अच्छा, तो मैं बताना कह रहा था, वो ये बता रहा था कि अगर मैं इधर जाकर एक इमेज अपलोड करता हूँ तो क्या होता है। इमेज अपलोड की तो ये मेरे पास एक फ़ाइल आ जाती है इमेजेस में। ठीक है, एक इमेजेस में फ़ाइल आ जाएगी। अभी हम सिंपल इसको एक ही रखते हैं और उसका नाम वगैरह चीज़ें हमारे पास कुछ आ जाएंगी। तो अब ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, परफेक्ट हैं। अब यहाँ पर मैंने बटन एक सबमिट का डाला हुआ है, इसकी टाइप सबमिट है, और ऊपर जाकर जो सा मेन है ये फॉर्म है जिसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मैं ऑन सबमिट का फंक्शन डाल दूंगा, ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट का, क्योंकि सारी चीज़ें अब हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से आऊँगा कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और ये जो है वो एसिंक होगा क्योंकि चीज़ें हैं ये। सबसे पहले तो हमने ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना है, उसके बाद डाटा यहाँ पर भी हम कंसोल करा देते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हैंडल जब सबमिट होता है, सबसे पहले हम अपलोड इमेज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपलोड इमेज का फंक्शन कॉल कर देंगे, कॉन्स्ट URL रिटर्न होगा वहाँ से हमें, सॉरी इस तरह। ठीक है, अपलोड इमेज हमारे पास सबसे पहले होगा, तो अब उसका फंक्शन है बना लेते हैं, सॉरी कॉन्स्ट अपलोड इमेज के नाम से, ये भी हमारे पास एसिंक होगा। परफेक्ट, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो वही अच्छा, इसको हमने कुछ देना भी होता है, वो ये है कि हम इसको डाटा डॉट इमेजेस के अंदर, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो इमेजेस आती हैं, उसके बाद उसकी फाइल्स होती, बल्कि नहीं, खाली यही देंगे हम, इमेजेस ही देंगे, वो एक वैसे उसका नंबर वन है। ठीक है, इमेजेस दे के देख लेते हैं, कोई मसला आता तो फिर हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ से हम फाइल एक्सेप्ट कर रहे होंगे, फिर यहाँ से हमने उसको फॉर्म डाटा बनाना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डालनी है। फाइल होगी, अपलोड प्रीसेट हमारे पास ये ई कॉमर्स ऐप था, अपलोड प्रीसेट, क्लाउड नेम, क्लाउड नेम जो सा हमें वो मिल जाएगा। अगर हम आते हैं, लेट्स से किधर गया, यहाँ पे था, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरा क्लाउड नेम है, ये मुझे एक और जगह था, डैशबोर्ड शायद था, वहाँ पर भी मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्लाउड नेम कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, उसके बाद जो सा हमने इसको कॉल कर देना, ये वही रिक्वेस्ट है जो हमने उधर से कॉपी की थी। तो ये आ गया, इमेज है अपलोड, और इसके अंदर हमने डाटा पास कर देंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट है,
बॉडी फॉर्म डाटा जो हमने सारा डाटा लिखा हुआ है, कॉन्स्ट उससे डाटा आएगा और रिटर्न हम डाटा कर देंगे। उससे पहले हम डाटा को कंसोल करा देते हैं कि हम डाटा में भेज क्या रहे हैं, और इसको कुछ इस तरह हम URL में दे देते हैं। और पब्लिक ID हम लास्ट टाइम जब हम मॉडल बना रहे तब भी हमने यूज़ की थी, तब हमने इसके अंदर डाल दी थी, अभी हम ऐसे ही इसको यूज़ करते हैं कि URL आ रहा है वहाँ से। ठीक, अज्यूम करते हैं हमारे पास URL आ जाएगा, तो एक तो कंसोल करा देंगे हम, उसके बाद जो सा हमने इधर चेक करना है कि अगर URL है, URL अगर तो नहीं हुआ तो मसला है हमारे पास, बाकी सारे हम चाह रहे हैं अपलोड ही ना वो करें, वहाँ से हम ही रिटर्न ही कर दें, क्योंकि रिटर्न के अलर्ट चला दें, अलर्ट से एक काम करते हैं रिटर्न भी अलर्ट चला देते, वहीं से ख़त्म कर दे ताकि बाद के मसला कुछ ना आए। अलर्ट इमेज, ओह सॉरी, इसको फिर रिमूव कर देते हैं यहाँ से, हम कह देते हैं इमेज अपलोड फेल, ठीक है, और यहाँ से इनको वापस करा देते हैं। परफेक्ट, अब यहाँ से हमारी जो है वो कॉल चलेगी प्रोडक्ट्स की, तो API/product/new के नाम से, ठीक है। उसके बाद अच्छा 3000 पे नहीं है, 8800 पे आई गेस, ओके। उसके बाद हेडर्स आ जाएंगे जिसमें कंटेंट टाइप देंगे, और बॉडी आ जाएगी हम डाटा, अच्छा ये देखें ये सारा डाटा तो आ गया, लेकिन इमेजेस में क्योंकि सारा डाटा सेम था, इमेजेस में हम जो सा URL देंगे लेकिन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हमने अगर देखा जाए तो इमेज जो है वो अरे नहीं अरे है, ठीक है, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो हम उसको इस तरह हम पास करेंगे। इसके अलावा आई गेस ऑथेंटिकेशन अभी नहीं लगी हुई, अगर हम जाके देखते हैं राउट्स पे प्रोडक्ट्स के तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई मिडलवेयर नहीं लगा हुआ जिसे हम ये चेक कर रहे हो, तो वो भी हम डाल नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे। तो तब तक के लिए अभी हम इसको हम ऑथराइजेशन टोकन पास कर ही देते हैं, ऑथराइजेशन टोकन हम इसको पास कर देते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है हमारे पास, आई थिंक ये वाला तो क्लियर हो गया है, इफ़ रिस्पॉन्स स्टेटस आ जाता है हमारे पास 200, तब हम इसको सबको एम्प्टी करके गाइड कर देते हैं, और एल्स हम अलर्ट करा देंगे प्रोडक्ट एड एडिशन फील्ड, ओके। सो ये अभी तक का कोड हमने लिख लिया हुआ है, इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ और इसको चला के देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर आता है कि नहीं। तो इसको सेव करता हूँ, ऐप में आता हूँ दोबारा, नेटवर्क टैब खोल लेता हूँ और यहाँ से मैं सारी चीज़ें फिल कर देता हूँ। तो लेट्स से मैं इसका नाम लिख देता हूँ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, लेट्स से न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन प्राइस में लेट्स से 50। उसके बाद अपलोड में मैं एक अपलोड कर देता हूँ इमेज, अच्छा यहाँ पर नहीं आई क्योंकि हमने सेट इमेज नहीं किया हो, हालांकि इमेज अपलोड होगी लेकिन ना यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इमेज सेट नहीं की हुई कि हमें कि इसका यूज़र इंटरफेस दिखा दें कि इमेज कैसी है, लेकिन खैर वो भी हम इसको दिखा देते हैं, या इसका नाम एटलीस्ट हम इसका दिखा सकते हैं, दिखा देते हैं। कैटेगरी की मुझे याद है कैटेगरी इनमें से कोई भी नहीं है, तो वो एक इशू है, तो फिर हम इसको फिक्स आउट कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरीज जो से उसके नाम ज़रा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये नाम नहीं है, हमारे पास है टीज है, सॉरी। उसके बाद क्रियो नेक्स हैं, उसके बाद स्वेट शर्ट्स हैं, एक मिनट इसमें ऐसे भी देख लेते हैं कि नेम सेम है, क्रू नेक्स हैं और स्वेट शर्ट हैं, हुडीज भी हैं, वो हम बाद में इसको अभी के लिए काफ़ी हैं जैसे काम चल जाए हमारा।
ठीक हो गया। और वो फिर इमेज वाला जो काम मैं कह रहा हूँ वो भी हम इसको कर ही लेते हैं, उसका नाम सिर्फ दिखा देते हैं बजाय इमेज को करने के लिए, वो भी हम दिखा सकते हैं इमेज को URL पार्स करके, लेकिन आई गेस अभी सिर्फ वो दिखा दें तो बेहतर है। वो इसकी वैल्यू में आती है कि नहीं, नाम तो दिखा सकते हैं हमें ना डेटा डॉट इमेजेस करके, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हम उसको उसका नाम आता है कि नहीं, एरर आ गया उसी का आ रहा होगा, फेल टू सेट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑन HTML इनपुट, दिस इनपुट एक्सेप्ट अ फाइल नेम विच मे बी प्रोग्राम सेट टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके सो देखते हैं कि क्या मसला करता है। सो हमारे पास ये एरर आ रहा है जिसका मतलब ये है कि फेल टू सेट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑन HTML इनपुट है एक्सेप्ट फाइल नेम विच में भी प्रोग्रामेटिकली सेट टू एम्प्टी स्ट्रिंग। सो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट वो फाइल नेम, हम अगर उसकी टाइप देखी जाए तो फाइल करते हैं, तो जो इनपुट जिनकी फाइल जिनकी टाइप फाइल है उसके अंदर ये होता है कि बेसिकली वो सिर्फ यूज़र ही उनको सेट कर सकता है, वो जो प्रोग्रामेटिकली है वो जो उनसे सेट नहीं हो सकते, जैसे मैं वैल्यू बाकियों को करता हूँ वैल्यू देकर तो वो उसके उस जैसे नहीं हो सकते, वो सिर्फ यूज़र बेस्ड है जैसे ये इमेजेस है। तो उसका एक तरीका तो ये होता है कि हम इधर एक छोटा सा वो क्या उसे कहते हैं, मतलब कि या तो हम इधर एक छोटा सा ना वो बना देते हैं लेबल वगैरह टाइप के, जिसके अंदर हम ना वो पास कर देते हैं उसका नेम, अगर सिर्फ हमने दिखाना हो, ठीक है, नेम पास कर देते हैं, या हम एक साइड पे कोई फोल्डर में आके उसकी इमेज सेट कर देते हैं, जो कि अभी खैर इसको छोड़ देते हैं, इसको हम देख लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन या कोड उसमें देख लेंगे हम नेक्स्ट में जब हम चीज़ें दूसरी सेट कर रहे होंगे, तो अभी इसको रहने देते हैं। ऐड कंटेंट, हाँ बहुत तो इसके अंदर वो एक टेक्स्ट एरिया की एग्जाम मुझे दे रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये भी है और वैल्यू भी, इसको हटा देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, क्योंकि हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट वैसे ही वो एम्प्टी होता है। तो ये हमारे पास आ गया, उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ इसको, फिर चीज़ें दे के हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्राइस प्रोडक्ट अपलोड कर देता हूँ, कैटेगरी टीज होगी एक यूनिक स्वेटशर्ट्स कर लेते हैं, रेड मल्टीपल कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइन। अब मैं सेव का बटन दबाऊंगा, तो एज यू कैन सी हमारे पास पहले सबसे पहले अपलोड होती है, ठीक है, अपलोड इमेज हुई होती है, अपलोड में हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे पास मिल जाती हैं, परफेक्ट। लेकिन अलर्ट इज़ नॉट डिफाइन, ओप्स कुछ मसला हो गया, खैर हमारे पास जो है क्लाउडनरी भी वो अपलोड हो चुकी है, अगर मैं क्लाउडनरी पे जाता हूँ मीडिया लाइब्रेरी पे जाता हूँ तो हमारे पास पहली इमेज जो आ चुकी है वो अपलोड इमेज उस पर हो चुकी है, इससे हमारे पास URL मिलता है और हमारे पास एक सिक्योर URL भी होता है, तो हमें सिक्योर URL यूज़ करना चाहिए, क्योंकि HTTPS है और वो HTTP है, ठीक है, तो वो कर लेते हैं, मतलब कि हमारा ये जो अपलोड इमेज वाला फंक्शन है ये सही काम कर गया, विच इज़ अ ह्यूज सक्सेस आई गेस। तो ये चीज़ हो गई है, उसके बाद हमारे पास ये अलर्ट का मसला था, ओके ये अलर्ट का मसला यस, ये कुछ इसमें मैंने गलत लिख दिया या फिर क्या सीन, ए कैपिटल यस, ए कैपिटल मैंने कर दिया आई गेस, क्योंकि ये इस वक्त कुछ भी नहीं, अलर्ट छोटा होता था, अच्छा इंटरेस्टिंग, खैर इसको दोबारा मैं इन्हीं इंफॉर्मेशन के साथ सेव कर देता हूँ। अपलोड इमेज अपलोड फेल्ड, वेयर इज दैट, क्योंकि अलर्ट नहीं नहीं हमने अलर्ट डिफाइन, बेसिकली
डेटा डॉट सिक्योर। अच्छा डेटा आया हमारे पास, एक मिनट डेटा तो वो भी कर देता हूँ ज़रा, डेटा ठीक है। और उसके बाद ये वाला डेटा डाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। यूआरएल कंसोल कराया हुआ, यूआरएल ठीक है, सेव कर लेता हूँ और देखता हूँ कि यूआरएल अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि, खैर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा, ये ना हो कि पिछली चेंजेस आ रही हों। तो मैं इसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट इमेज, स्वेट शर्ट, रेड ब्लू ग्रीन वाइट ऑरेंज येलो ग्रीन नहीं है, दैट्स इट। ओके सो आई सेव इट। अच्छा ओह इंटरेस्टिंग, उसका उसकी वजह ये है कि बेसिकली यहाँ पर भी हमें अवेट एक लगाना पड़ेगा क्योंकि वो इसका वेट ही नहीं करता अपलोड इमेज होने का, वो डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है जो कि यू आर एल एम टी बताता है ठीक है। तो हमें इस पर एक वो डालना चाहिए था। तो फिर मैं दोबारा सेफ पे क्लिक करता हूँ, अब पेंडिंग हुआ और हमारे पास दूसरी रिक्वेस्ट भी चलेगी न्यू की, क्योंकि रिक्वेस्ट जो क्रिएट की है वो 201 है तो हमने इधर लिख दिया, तो इसलिए इससे बेहतर होता है रिस्पॉन्स डॉट ओके ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट ओके बेहतर है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इसके दोबारा सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मेरे पास 400 का एरर आ जाता है प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट का ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ प्रोडक्ट्स पे, देखता हूँ मेरे पास प्रोडक्ट्स ऐड हुई है, यस मेरे पास प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है, प्रोडक्ट आगे डिस्क्रिप्शन 146 प्राइस थी वो सारा हमारे पास प्रोडक्ट आ चुकी है, विच मीन्स इट्स वर्किंग फाइन, हमारा जो एड प्रोडक्ट का एंड पॉइंट था वो भी सही काम कर रहा है विच इज़ गुड। सो या दैट्स इट। तो अभी इस कैंसिल का मेरे ख्याल से कुछ ताल्लुक है नहीं, कुछ करता नहीं कैंसिल और इसकी ज़रूरत भी नहीं है शायद कैंसिल करने की, क्योंकि कौन सा मॉडल में खुला है। तो इसको अगर हम हटा भी दें सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो मैं कैंसिल का बटन सिंपली हटा देता हूँ क्योंकि इधर कैंसिल का कुछ मॉडल वगैरह तो खुला नहीं जिसमें हम कैंसिल करें। तो सेव आ जाएगा, सेव पे हम डायरेक्ट करते हैं तो अच्छा वो कुछ अपलोड कर देते हैं, वही 400 एरर दे देता है। अच्छा तो उसका हल ये है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ, ऑन सब रिक्वायर्ड फील्ड नहीं डाले बेसिकली हमने किसी के भी, तो रिक्वायर्ड एक सबका ट्रू हमने बाय डिफॉल्ट रखा नहीं हुआ, रिक्वायर्ड फॉल्स रखा है तो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, इसलिए इसको ट्रू रख देता हूँ। नहीं तो इसके दूसरे भी तरीके हैं, अगर हमने रिक्वायर्ड हर जगह फॉल्स नहीं देना, आपने ट्रू नहीं देना, तो इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर जब अपलोड सबमिट करते हैं ई में बेसिकली वैसे ही, या तो एक इसका तरीका था कि इफ़ हम चेक कर लेते सारे वैल्यूज़ कि अगर इसका दूसरा आसान तरीका है ऑब्जेक्ट के थ्रू कि ऑब्जेक्ट वैल्यू कर लेते, अगर कोई भी उनमें से सम यानी कि कोई भी एक वैल्यू एम्प्टी है तो हम उधर से उसको वापस भेज के कह देते कि भाई पहले प्लीज़ फिल ऑल फील्ड। अब देखते हैं अब इसका क्या सीन होता है, सेव करूंगा तो मुझे एरर आ जाएंगे, तो मुझे सब तकरीबन जितने भी रिक्वायर्ड्स हैं वो तो रिक्वायर्ड होंगी, लेकिन खैर जो नहीं होंगे उसको क्या करना है, तो उसको अभी तरीका यही है फिर उस तरीके से हम कर लेंगे ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने जो देखा है हमने वो एड प्रोडक्ट वाला देख लिया जो कि एक मेन राउट था जो कि वो भी कम्प्लीट हो चुका है। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हमारी वेबसाइट थी उसका भी उसकी भी चीज़ें चल गई हैं, अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ तो वेबसाइट की ये वाली चीज़ें भी हमारे पास चल गई हैं, और प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ तो प्रोडक्ट्स पे भी चल गए हैं। इसके बाद इसके अलावा जो हमारे पास हमारे फिल्टर्स सॉर्टिंग चल रही है, फिल्टर्स चल रहे हैं, सो एक जो हमारी कंप्लीट ऐप है वो हो चुकी है। अगर आप चाहे एक यूज़र इंटरफेस की बात की जाए तो वो भी कंप्लीट है, और अगर एडमिन पैनल की बात की जाए वो भी कंप्लीट है ठीक। तो अभी तक हमारी एक कंप्लीट जो ऐप है ई कॉमर्स की वो कंप्लीट हो चुकी है।
इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल हैं, ऑप्शनल इन सेंस ऑफ अगर आपने इतना ही काम है तो परफेक्ट है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करूँ, लेट्स से ऐड टू बैग वाली फंक्शनैलिटी के ऐड टू बैग, जब ये कलर्स नहीं आ रहे, ये थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें, ये मेरे ख्याल से खुद ही आप फिक्स कर लेंगे, ये इशू नहीं है। तो ये तो छोटी छोटी फ्रंट एंड की चीज़ें हैं, तो मोस्टली मेरा काम जो बैक एंड पे मैं फोकस करना चाह रहा था, तो ऐड टू बैग वाली फंक्शनैलिटी है और फिर कार्ट में जाकर हम उसको देख सकें, क्योंकि हमने कार्ड वगैरह के पेज बनाए हुए हैं, सॉरी कार्ड ऐसी डायरेक्ट है, शॉपिंग कार्ट पे हमने ऐसे ही अभी डमी डाटा ही डाला हुआ, फिर चेकआउट हमारा हमने चाहिए। तो अगर ये चीज़ देखना चाहते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियोस में इन पे हम डिस्कस करेंगे। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।